स्वागत करता हूँ आपको हमारे YouTube चैनल ईशान्य डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बताऊँगा कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। ये सारे चीज़ को आज मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंप्यूटर का फंडामेंटल होता है वो आपका ख़त्म कर दिए हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको यूजेज ऑफिस वर्क के रिगार्डिंग में बताऊंगा कि ऑफिस में कौन कौन सा चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो बोलना चाहूँगा कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी डाला हुआ वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। गाइस मैं आप लोग के लिए एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का एक ब्लॉग बनाया हूँ, वो ब्लॉग भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप विजिट करके आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर का हल कर सकते हैं। उसमें आपको कंपटेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्यूटर से रिगार्डिंग दिया हुआ है। इसमें केवल हर एक दिन का 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, जो हर दिन अपडेटेड रहेगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अच्छे से वहाँ पे आप देखें और नीचे उसके और मिलेगा आपको लेटेस्ट करेंट अफेयर का भी लिंक, उस लिंक पे भी जाकर आप लेटेस्ट करेंट अफेयर को भी देख सकते हैं। तो गाइस आपसे मैं यही कहूँगा कि वो दोनों लिंक पे जाकर आप अच्छे से विजिट करें और मेरे ब्लॉग को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पे आज सीखते हैं कि एमएस ऑफिस में क्या कौन सा पार्ट्स होता है, एमएस ऑफिस क्या होते हैं, किसके पार्ट्स हैं, ये सब को डिटेल्स में। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ सीखते हैं। आज आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज सीखेंगे हम कि एमएस ऑफिस क्या होता है और एमएस ऑफिस में कौन कौन सा कंपोनेंट आते हैं, यानी क्या क्या चीज़ इसमें पार्ट्स कौन कौन सा है एमएस ऑफिस का। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आपका आप लोग के लिए मैंने कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक ब्लॉग तैयार किया है जिसमें लेटेस्ट करंट कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक। तो आप वहाँ से विजिट करके भी आप आसानी से कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर होता है जो कंपटेटिव एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं तो वो चीज़ से आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप वहाँ पर जरूर चेक करें। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, यानी कहने का मतलब क्या हो, एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस कंपनी जो बनाया है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एमएस ऑफिस का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर बन चुका है, यानी कहने का मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले उपयोग होने वाली ये सॉफ्टवेयर है जो कि आज के समय में हर जगह पर उपयोग किया जाता है। एमएस ऑफिस का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल मर्ज आदि कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए एमएस ऑफिस को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब कि एमएस ऑफिस जो है उसका ज़्यादातर यूज राइटिंग करने के लिए, यानी लेटर राइट करने के लिए होता है, रिज्यूम बनाने के लिए होता है, मेल मर्ज करने के लिए होता है, ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एमएस ऑफिस को 1988 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट को कोफाउंडर विल गेट्स ने लास वेगास यूएसए में लॉन्च किया था, यानी एमएस ऑफिस 1988 में पहली बार बनाया गया था जिसका फाउंडर थे विल गेट्स। उन्होंने लास वेगास यूएसए में लॉन्च किया था सबसे पहले। तब एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में केवल 3 फीचर्स मौजूद थे, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, ये 3 मौजूद थे केवल जब स्टार्टिंग में 1988 में आया था। तो एमएस ऑफिस अब तक दुनिया के सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो शायद कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एमएस ऑफिस ना हो। कहने का मतलब है कि एमएस ऑफिस एक ऐसा पॉपुलर सॉफ्टवेयर बन चुका है जो कभी ऐसा हो ही ना सकता है जो किसी कंप्यूटर में मौजूद ना हो। एमएस ऑफिस का सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी 2007 में मिली थी, क्योंकि जब एमएस ऑफिस का अपडेट वर्जन ऑफिस 2007 लॉन्च हुआ था तब उसके बाद यह सभी तरह के ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में के लिए बनाए जाने लगे, जैसे कि लिनक्स, मैक, विंडोज़, ये सब चीज़ के लिए इसका उपयोग ज़्यादा किया गया और एमएस ऑफिस जो था वो 2007 में ज़्यादा इसका पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। दोस्तों ये तो था कि क्या होता है और ये कब आया था और पॉपुलैरिटी कब बढ़ी थी। अब जानते हैं कि एमएस ऑफिस में कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं।
दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोग अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। जब आप एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होंगे तो अंदर आपको बहुत सारे पैकेज मिले होंगे, उसी को कंपोनेंट भी कहा जाता है। कहने का मतलब जब हम कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग इसके अंदर जो जो पार्ट होता है इसका, वो सारे कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जैसे मैं कौन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो एमएस वर्ड एमएस, सेकेंड नंबर पर कौन सा, एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड में कौन सा है एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फोर्थ में आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फिफ्थ में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सिक्स में हो गया माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ डिजाइनर, सेवन में हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, और एट में हो गया माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो दोस्तों ये सब तो इसके पार्ट्स थे कि कौन कौन से पार्ट्स था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो आपका तीन पार्ट्स होते हैं, जो कि आपका एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तीन पार्ट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये तीन का ज़्यादा यूज़ हुआ करता है। एक्सेस का भी यूज़ हुआ जाता है बट ये तीन को ज़्यादा यूज करते हैं ऑफिशियली वर्क करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ वो है इसी, ये सब सारे चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे सा पार्ट्स में मैं आपको समझा देता हूँ कि एमएस ऑफिस में वर्ड क्या होते हैं, एक्सेल क्या होता है और पावर पॉइंट क्या होता है। तो आइए चलते देखते हैं एमएस ऑफिस, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लोकप्रिय कंपोनेंट है जो कि हमें टेक्स्ट एडिटिंग, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब वर्ड जो है वो एक एमएस ऑफिस का पार्ट्स है जो कि टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए या फॉर्मेटिंग या प्रिंटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, लेटर नोटिस एप्लीकेशन, इनविटेशन, रिज्यूम इत्यादि के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका सेकेंडरी नेम होता है विनवर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसे ओपन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करें और फिर विनवर्ड टाइप करें तो आपके पास ओपन हो जाएगा, या फिर आप सर्च बॉक्स में भी ओपन कर सकते हैं सर्च करके। ये तो था वर्ड। अब एक्सेल देखते हैं कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी एक कंपोनेंट है जिसका उपयोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, टेबल इत्यादि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एक्सेल का उपयोग हम लोग ज़्यादातर ग्राफिकल यूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, टेबल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कमर्शियल स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है, जैसे रिजल्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए इत्यादि। यानी एक्सेल को हम लोग कमर्शियल स्प्रेडशीट्स भी कहते हैं जिसका उपयोग डेटा एंट्री और रिजल्ट वगैरह कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि पावर पॉइंट क्या होता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ही पार्ट है। यानी जो एमएस पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करना हो। यानी अगर किसी भी कंपनी या किसी भी ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई प्रेजेंट करना हो किसी चीज़ के बारे में, टॉपिक्स को लेकर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। एक्सेस देख लेते हैं क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। इसके द्वारा हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में उपयोग करने के लिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एमएस एक्सेस, यानी कहने का मतलब कि जो भी फॉर्म्स वगैरह या फिर डेटाबेस की ज़रूरत होती है तो हम एक्सेस से उपयोग करते हैं। ये भी एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। तो दोस्तों मैंने आज आप लोग को बताया कि एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एमएस ऑफिस कब डेवलप किया गया था, कौन से कंपनी उसे डेवलप किया था। तो ये सब चीज़ के रिगार्डिंग मैंने आप लोग को बताया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोग के रिगार्डिंग मैं एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का भी एक ब्लॉग बनाया हूँ, जिसमें आप लोग के कंपिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड उसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों चीज़ आपको कंप्यूटर का मिलेगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर हमारे ब्लॉग्स को पढ़ें। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूँगा ताकि आप अच्छे से देख सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सा आगे प्रोसेस लेकर, कुछ और लेसन के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।